नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ फैक्टिनिज्म और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मुंबई में इतनी बारिश क्यों होती है और वहाँ पे बाढ़ क्यों आती है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में होने वाले फ्रॉड से अपना पैसा कैसे बचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत तरीकों का हो सकता है, जैसे एटीएम फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड फ्रॉड, इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन फ्रॉड। तो ये सबसे कैसे बचे, ये अब हम देखेंगे। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो आखिर तक देखिए। नंबर एक, एटीएम फ्रॉड। दोस्तों, हर रोज कई लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं और कई लोग एटीएम से पैसे चोरी होने की शिकार होते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करें? दोस्तों, जब भी आप एटीएम में जाते हैं, उसके बाद मशीन में कार्ड डालने से पहले जहाँ पे कार्ड डालते हैं वो जगह अच्छी तरीके से चेक करिए, ताकि चोरों ने कोई और मशीन वहाँ फिट ना की हो। उसके बाद जब आप अपनी पिन डालेंगे तो दूसरे हाथ से उसे ऐसे कवर करें जिससे कोई और आपका पिन ना देख सके। पैसे निकालने के बाद ट्रांजैक्शन पूरा हो गया है ये जांच लें और तभी बाहर निकलें। पैसे निकालने के बाद जो पर्ची या रिसीट मिलती है उसे ऐसे ही ना फेंके, उसे फाड़ कर फेंके। और दोस्तों, कभी भी अपना एटीएम पिन किसी के साथ शेयर ना करें। नंबर दो, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड फ्रॉड। दोस्तों, हम सबके पास बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है, लेकिन कई बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कुछ लोगों के साथ फ्रॉड होता है। इससे बचने के लिए ये करें, अपने कार्ड के पीछे जो 3 अंक की CVV नंबर होता है वो किसी को ना बताए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बाद जो OTP आता है वो किसी के साथ शेयर ना करें। अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV किसी अनजाने आदमी के साथ शेयर ना करें। बहुत बार ये ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग कॉल करते हैं और हम आपके बैंक से हैं, आपका कार्ड ब्लॉक हुआ है, आपका कार्ड नंबर और CVV बताए, ऐसा बोल के आपके डिटेल्स लेते हैं और आपके पैसे चुराते हैं। तो कभी भी फोन पर आपके कार डिटेल्स किसी को ना दे, भले ही वो बैंक का आदमी हो। और एक चीज़, जब भी आप होटल में जाते हैं और कार्ड पेमेंट करते हैं तो आप खुद उस मशीन को हाथ में लेके पेमेंट करें, अपना कार्ड वेटर के ज़रिए ना भेजें। यही चीज़ का आप सभी दुकानों और पेट्रोल पंप पे ध्यान रखें और किसी भी हालत में अपना पिन या OTP किसी अनजाने आदमी के साथ शेयर ना करें। नंबर तीन, इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड। वैसे तो ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग सेफ होती है, लेकिन कई बार लोग उनके केयरलेसनेस की वजह से इस फ्रॉड का शिकार होते हैं। इससे बचने के लिए आप अपने बैंक के वेबसाइट पर लॉगिन करते समय सही साइट पर लॉगिन करें। वो साइट इस जैसे हरे सिंबल से लॉक हो और उसकी शुरुआत HTTPS से ही हो। उसके बाद आप अपना कस्टमर ID और पासवर्ड डालते समय वर्चुअल कीबोर्ड यानी स्क्रीन पर आने वाले कीबोर्ड का इस्तेमाल करें, ताकि अगर किसी प्रकार के वायरस ने आपके कीबोर्ड की गतिविधि जांच ली तो ये कस्टमर ID और पासवर्ड हैकर तक पहुंच सकता है। उसके बाद जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो OTP आता है वो किसी के साथ शेयर मत कीजिए। और आखिर में ट्रांजैक्शन होने के बाद वेबसाइट से लॉगआउट करना ना भूलें। नंबर चार, मोबाइल वॉलेट फ्रॉड। आजकल मोबाइल वॉलेट का ज़माना है, हम अपने बैंक से इस वॉलेट में पैसे जमा करते हैं या फिर बहुत सारी बैंक
इससे लिंक कर देते हैं। मार्केट में बहुत सारे डिजिटल वॉलेट्स हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक और बहुत कुछ। हालांकि ये सब अब यूपीआई पेमेंट से सिक्योर है, लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन करते समय अपना वॉलेट को लॉगिन पिन और यूपीआई पिन से सिक्योर कर ले और ये दोनों पिन किसी को ना बताए। अपने ये सारे डिजिटल वॉलेट्स ऐप लॉक से सिक्योर करें। ऐसे ही अलग अलग बैंक के भी ऐप्स आते हैं, उन्हें भी अलग पासवर्ड से हमेशा लॉक रखें और अपना पिन और ओटीपी किसी को ना बताएं। तो दोस्तों, वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ें हैं जिससे ऑनलाइन फ्रॉड होता है वो हमने इस वीडियो में देखी। अपने मेहनत का पैसा इस तरह चोरी ना होने दें। ये टिप्स हमेशा फॉलो करें और सावधान रहें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी उन चोरों से बच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।